नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ कन्हर बांध। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कन्हर बांध है और इस समय यह बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इस समय हम लोग हैं दुधी नगर रेलवे स्टेशन पर। दुधी नगर उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित एक नगर है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूं जिससे आपका मनोरंजन भी होता है और आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो इसकी साड़ी 100 रुपये का नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ कन्हर बांध। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कन्हर बांध है और इस समय यह बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। और ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इसके दो कारण हैं। पहला ये कि यह कन्हर डैम पिछले 46 वर्षों से बन रहा है और अब जाकर यह जून में बनकर तैयार हो जाएगा। और दूसरा ये कि इस डैम के बनने पर जो 21 गांव डूब क्षेत्र में आने वाले थे उन सभी लोगों को अपना घर छोड़कर नई जगह पर शिफ्ट होना है। तो जिन लोगों को मुआवजा मिल चुका है उन लोगों ने तो अपने घर खाली कर दिए हैं और नई जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, और जिन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है वो लोग अभी तक वहीं पर हैं और अपने लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है उन लोगों को भी मुआवजा मिलेगा और वो लोग नई जगह पे शिफ्ट होंगे और आगे उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस डैम से बनने पर 21 गांव के लोगों को अपना घर छोड़कर नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन इस डैम से बनने पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कई गाँवों को इसके पानी का फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि इसकी जो नहरें हैं उसे खेतों के सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो आइए आपको अब डैम नज़दीक से दिखाते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक डैम नहीं देखा है और डैम क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें हम डैम में बनने वाली बारीकियों के बारे में जानेंगे और एक डैम कैसे काम करता है उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। कन्हर सिंचाई परियोजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 1976 में दुधी तहसील के अमवार गांव में हुई थी। इस बांध प्रोजेक्ट में यूपी के साथ बिहार और मध्य प्रदेश के 1000 से ज़्यादा परिवार प्रभावित होने वाले थे। नारायण दत्त तिवारी की सरकार में सिंचाई मंत्री रहे लोकपति त्रिपाठी के प्रयास से ही इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली थी। तब यह इलाका मिर्जापुर जिले का हिस्सा था। इस योजना से 108 गांवों को सिंचित किए जाने का लक्ष्य था। तत्कालीन जिला अधिकारी के निर्देशन में प्रोजेक्ट को 10 साल में पूरा होना था। वर्ष 1977 में एनडी तिवारी की सरकार जाने के कारण
परियोजना अधर में फंस गई। नहर बांध परियोजना शुरू होने के बाद 1984 से लेकर वर्ष 2000 तक इसका काम पूरी तरह से बंद रहा। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के प्रयास से डैम के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी और फिर उसी वर्ष झारखंड और छत्तीसगढ़ बनने के बाद हलचल फिर शुरू हुई। दोनों नए राज्यों से सहमति लेने के बाद मृदा परीक्षण एवं डाटा जुटाने का काम शुरू हुआ, परंतु राजनाथ की सरकार जाने के बाद एक बार यह काम फिर से ठप हो गया। आइए अब जानते हैं कि कैसे 27 करोड़ की परियोजना पहुंच गई 3300 करोड़ रुपए। तो शुरुआत में इस डैम की जो लागत थी वह थी 27 करोड़ रुपए, लेकिन बसपा की मायावती सरकार में 27 करोड़ की परियोजना की लागत को बढ़ाकर 950 करोड़ रुपए कर दिया गया। काम भी शुरू हुआ, इस बार भी बजट के अभाव में काम बंद हो गया। उसके बाद सन 2012-13 में समाजवादी पार्टी के शासन में तत्कालीन सिंचाई मंत्री रहे शिवपाल सिंह यादव ने परियोजना की लागत 2300 करोड़ कर दी और खुद कन्हर आकर परियोजना की शुरुआत की। और अब बीजेपी के शासनकाल में इसकी लागत 2300 करोड़ से बढ़कर 3300 करोड़ के पार जा रही है। सरकार ने कहा था कि यह बांध 30 जून तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं कि बांध में अभी भी बहुत काम होना बाकी है और यहाँ पर लोग दिन रात मेहनत करके इस बांध को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बांध को इस बार बरसात से पहले बनाकर तैयार कर देना है। तो यही कुछ दृश्य आप लोग देख सकते हैं कि लोग कितनी मेहनत और जद्दोजहद कर रहे हैं इस डैम को जल्दी से जल्दी बनाने की। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रिहन डैम है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जलाशय वाला बांध है और जिसे बनने में मात्र 9 साल और 6 महीने का समय लगा था। रिहन डैम की जानकारी के लिए और उससे जुड़े इतिहास के बारे में जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल पर जाकर मेरा रिहन डैम का ब्लॉग देख सकते हैं। उसमें मैंने बांध कैसे बनाया जाता है, वो कैसे काम करता है, उसके बारे में विस्तार से बताया है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। यह जो आप सामने का दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर डैम में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बनाया जाता है, जैसे कि कंक्रीट इत्यादि। इस समय मैं डैम के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। और हाँ, एक बात उन लोगों के लिए भी जो लोग यहाँ डैम पर घूमने आना चाहते हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूँ कि अभी जहाँ पर डैम बन रहा है वहाँ पर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। इस डैम के बनने के दौरान कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन विस्थापितों के समस्याओं का हल किसी भी सरकार ने नहीं निकाला। सिंचाई बांध परियोजना 40 वर्षों के बाद कन्हर बांध का काम पुनः शुरू हुआ। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यही इस डैम का जलाशय होगा और इसी एरिया में उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के 21 गांवों को खाली कराया जा रहा है, जिन्हें 15 दिन का समय दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है और यहाँ कितने ही गांवों को अब बेघर होना पड़ेगा। यहाँ के लोग नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजे की मांग कर रहे हैं और सरकार कहती है कि मुआवजे को लेकर कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक परिवार को 7 लाख रुपए और आवासीय भूमि दी जाएगी। परेशानी इस बात की भी है कि 1976 में 1400 परिवारों का मुआवजा दिया गया था, लेकिन आज परिवारों की संख्या 6000 के पार जा चुकी है। सभी मुआवजे की मांग कर रहे हैं, अब इसे सरकार मानने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है और इसी वजह से यहाँ के लोग आक्रोश में हैं। इन सबके बीच बांध का कार्य दिन रात चल रहा है। धीरे धीरे बांध में पानी
भरा जा रहा है। SDM ने 15 दिनों के अंदर डूब क्षेत्र को खाली कराने का फरमान भी जारी कर दिया है। इधर विस्थापित लोगों का कहना है कि सरकार जो मुआवजा दे रही है वह पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, ये था कन्हर डैम जो कि पिछले 46 वर्षों से बन रहा है, लेकिन अभी तक ये बन नहीं पाया है। हालांकि सरकार की ओर से कहना है कि ये जून तक बन जाएगा, लेकिन इसकी अभी की जो कंडीशन मैंने देखी उसे देखकर लगता नहीं है कि ये जून तक भी बन पाएगा, क्योंकि अभी भी डैम में बहुत काम बाकी है और मुझे लगता है कि अभी और भी कई महीने लग जाएंगे इस डैम को पूरा होने के लिए। दोस्तों, यह जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर विस्थापित हुए परिवारों को बसाया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कई जगह पर लोगों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति से हमारी बात हुई जिसका कहना है कि हमारे पूरे परिवार को मुआवजा मिलना था, लेकिन सिर्फ पिताजी को और बड़े भाई को मिला, मुझे तो मुआवजा मिला भी नहीं। हमसे गांव खाली कराने के लिए कहा जा रहा है, हम गरीब हैं, ना हमारे पास पैसा है और ना ही घर जमीन बचा है, अब हम जाएं तो जाए कहां। इस मामले में SDM का कहना है कि सिंचाई के पानी के लिए परियोजना पूरी हो रही है, इस ग्रुप में जो भी गांव है उन्हें खाली करना पड़ेगा, बांध का काम पूरा हो रहा है, जो लोग मुआवजे के पात्र हैं उन्हें शासन की मंशा के अनुरूप ही मुआवजा दिया जाएगा, जो इसके पात्र नहीं हैं उनके लिए जो शासन के निर्देश होंगे उसी के तहत व्यवस्था की जाएगी।